हेलो एवरीवन, आज के क्लास में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का रूल नंबर 7 और 8 को बताएंगे। इसके पहले हमने रूल 6 तक बता दिए हैं, आपको प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए बिना देरी हुए रूल नंबर 7 को बताते हैं। रूल नंबर 7 है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोमा। ठीक है, कोमा देखिए वाज है, इसको लिखेंगे वाजेंट, वाज ले दिए, एन लगा दिए, यहाँ एपोस्ट्रोफी का चिन्ह दिए, टी लगा दिए। ठीक है, यहाँ ले दिए या, ठीक है, या वे का देते हैं वरेंट, वे दिए, एन लगा दिए, एपोस्टिक चिन्ह दिए, प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, वाजेंट या वरेंट प्लस प्रोनाउन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, देखिए जैसे सीता, सीता गीत गा रही थी ना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, सीता गीत गा रही थी ना। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता, फिर वाज हुआ है, नाम है सीता, नाम सत्य वाज लगता है, वाज लगा दिए। गाना क्या होता है, गाना, गाना का सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग। अब क्या वाजेंट या वरेंट, तो यहाँ पे वाज है तो लिख देते हैं वाजेंट, वाजेंट, फिर क्या है प्रोनाउन, तो यहाँ सीता, तो सीता तो प्रोनाउन नहीं है, तो किसी भी लड़की के लिए प्रोनाउन सी होता है, तो यहाँ पर लिख दिए सी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यानी यहाँ सीता नहीं लिखना है, सीता यानी कोई भी लड़की ना हो, लड़की का नाम हो, उसके लिए सी प्रोनाउन लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2 को दिखाते हैं। हम लोग, हम लोग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना। अब देखें यहाँ पर, यहाँ पर है हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे ना, ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या होता है, वी ले दिए, वी, आप सब्जेक्ट ले दिया वाज वेयर, तो हम लोग का वी होता है, वी के साथ वेयर लगता है, ले दिए वेयर। खेलना क्या होता है, प्ले, ले दिए प्ले, तो ये होगा प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट कॉमा। ठीक है, वेयर क्या होती है, इसको लिखेंगे वेरेंट, वरेंट प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ क्या है, यहाँ पर वी है, प्रोनाउन यहाँ पर, यहाँ पर ऐड जाएगा। ठीक है, वी है तो ले दिए वी, देखिए यहाँ प्रोनाउन था ही, वी वी प्रोनाउन है तो वी ही ले दिए। ठीक है, प्रोनाउन साथ होता है, आई वी यू दे ही सी इट, ये प्रोनाउन होता है। चलिए एग्जांपल नंबर 3, जैसे राम, राम राम खेल रहा था ना। ठीक है, राम खेल रहा था ना, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे राम, सब्जेक्ट लिख दिए राम,
नाम से तो क्या लगता है, वाज वाज लगा दिए। खेलना क्या होता है, प्ले, तो ले दिए प्ले। अभी फोर करना है तो आई आर प्लेइंग कॉमा। वाज का क्या होगा, वाजेंट, वाजेंट राम, और राम किसी लड़का का नाम हो उसके लिए ही लिखेंगे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। राम खेल रहा था ना, राम वाज प्लेइंग वाजेंट ही, किसी लड़का के नाम के लिए ही लिखेंगे। चलिए अगला, वे लोग घर से आ रहे थे ना, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, वे लोग घर से आ रहे थे ना, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है वे लोग को लिखेंगे दे। ठीक है, वाज वेयर, तो दे सत क्या लगता है, वेयर वेयर। ये देखें आना क्या होता है, कम। ठीक है, देखिए होता है कम, यहाँ पर देख सकते हैं होता है, यहाँ पर देखिए कम होता है, लेकिन हमें यहाँ ई हटका एक आन जी आई एन जी लगाते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा कमिंग, कमिंग से यानी फ्रॉम, आ फ्रॉम फ्रॉम हाउस। ठीक है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नहीं सॉरी कॉमा देंगे, कॉमा कमिंग फ्रॉम हाउस। अब क्या है, वाजेंट या ओरेंट, यहाँ पर ओरे है, ओर है, तो यहाँ पर लेते हैं ओरेंट, ओरेंट प्लस पर नॉन प्रोनाउन, यहाँ दे है ये ही, तो दे लिख देते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। वे लोग घर से आ रहे हैं ना, दे वेयर कमिंग फ्रॉम हाउस कॉमा ओरेंट दे। अगला है, अगला है, जैसे मैं पढ़ा रहा था ना, मैं पढ़ा रहा था ना। ठीक है, मैं इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, आई लिख दिए। ठीक है, आई के साथ क्या होता है, वाज वेयर है, तो वाज लगेगा। पढ़ना क्या होता है, रीड हो गया, रीडिंग कॉमा क्या होगा, वाजेंट, वाजेंट आई, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। मैं पढ़ रहा था ना, आई वाज रीडिंग वाजेंट आई, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इसमें पांच एग्जांपल पूर गया। चलिए अब रूल नंबर 8 को करते हैं। चलिए चलिए रूल नंबर 8वां है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉमा, फिर लिखेंगे वाज या वेयर, वेयर प्लस प्रोनाउन, प्लस प्रो नाउन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, यहाँ देखिए वाज वेयर प्लस प्रोनाउन प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए इस पर एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, पहला, जैसे तुम तुम नहीं खेल रहे थे ना,
नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, तुम नहीं खेल रहे थे ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू हो जाएगा, वाज वेयर तो ये होगा वेयर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा नोट लगा दिए नोट, खेलना क्या होता है प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेइंग, ठीक है, तो यू आर नॉट प्लेइंग। अब क्या यहाँ पर वाज वेयर, तो यहाँ पर वेयर हैं तो वेयर लगा देते हैं, लगा दिए वेयर, प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ क्या है यू, तो यहाँ पर यू लिख देते हैं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, तो होगा तुम नहीं खेल रहे थे ना, यू वेयर नॉट प्लेइंग कॉमा वेयर यू। चलिए एग्जाम्पल नंबर दो लेते हैं, लड़के ऐसा काम नहीं कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे ना, ठीक है, लड़के ऐसा काम नहीं कर रहे थे ना। देखिए यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है लड़के, तो ये हो जाएगा दी बॉयज, दी बॉयज क्या है वाज वेयर, यहाँ क्या लिखेंगे वेयर, वेयर उसका क्या है नोट, नोट ऐसा काम करना क्या होता है डू सच वर्क, तो ये हो जाएगा डूइंग, डूइंग सच वर्क, ठीक है, डूइंग सच वर्क, द बॉयज वेयर नॉट डूइंग सच वर्क कॉमा, अब क्या है यहाँ पर वाज वेयर, तो यहाँ वेयर है लगा दिए वेयर, बॉय, बॉय क्या होता है पुलर रहते लेकिन दे, ठीक है, दे लेंगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन, वेयर दे। चलिए तीसरा एग्जांपल, जैसे लड़का, लड़का स्कूल नहीं जा रहा था ना, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, लड़का स्कूल नहीं जा रहा था ना, देखिए यहाँ पर लड़के हैं यहाँ लड़का है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर दी बॉय लिखेंगे, दी बॉय, आप देखिए यहाँ बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन से वाज लगता है, वाज लगा दिए, उसके बाद नोट, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, ठीक है, दी बॉय वाज नॉट गोइंग टू स्कूल कॉमा, ठीक है, यहाँ पर वाज है तो वाज लगा दिए, ठीक है, और देखिए यहाँ देखिए पुलर है तो दे लिए, यहाँ पर सिर्फ बॉय है तो बॉय कौन होता है लड़का होता है, तो यहाँ पर ही लिखेंगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है सिर्फ बॉय रहेगा तो ही लिखना है, बॉयज रहेगा पुलर तो दे लिखना है प्रोनाउन, ठीक है, तो द बॉय वाज नॉट गोइंग टू स्कूल कॉमा वाज ही। मैं यह काम नहीं कर रहा था ना, मैं यह काम नहीं कर रहा था ना, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है मैं, तो आई दे दिए, वाज वेयर आई सत वाज लगा दिए, क्या सब नोट, नोट यह काम करना क्या होता है डू दिस वर्क, तो ये हो जाएगा डूइंग, डूइंग दिस वर्क, ठीक है, देखिए यहाँ पर ना भूल गए, देखिए यहाँ पर ना होगा, ठीक है, दोनों में ना, इसमें भी होगा ना प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, ना सभी में लगेगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें दे दिए, ठीक है, सब नाव नाव रहेगा तभी नियम से बनेगा,
तो मैं यह काम नहीं कर रहा था ना, आई वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क कॉमा कॉमा, यहाँ वाज है, वाज लिख दिए। अब प्रोनाउन, फिर नियम क्या है प्रोनाउन, तो यहाँ आई, आई प्रोनाउन है ही, तो दे देते हैं आई। आई वॉज नॉट डूइंग दिस वर्क कॉमा वाज आई। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल है सीता, ठीक है, सीता झाड़ू नहीं लगा रही थी ना, नहीं लगा रही थी ना, ठीक है, सीता झाड़ू नहीं लगा रही थी ना, सीता होता है सीता, सीता वाज वेयर, वाज क्या है नोट लगा दिया सलवार नोट, झाड़ू लगाना क्या आता है स्वीप, स्वीप तो ये हो जाएगा स्वीपिंग, ठीक है, तो सीता वाज नोट स्वीपिंग, सीता वाज नोट स्वीपिंग कॉमा, यहाँ से क्या है वाच लिख दिए, वाच सीता, सीता लड़की का नाम है तो लड़की के नाम के लिए हम क्या लेते हैं सी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, सीता झाड़ू नहीं लगा रही थी ना, सीता वाज नोट स्वीपिंग कॉमा वाज सी, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये हो गया। चलिए रूल 8 नंबर कंप्लीट हो गया, फिर अगले वीडियो में, ठीक है, फिर अगले वीडियो में रूल नंबर 9 और 10 को भी बता देंगे, तब तक के लिए बाय।